नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे लगभग टेट का एग्ज़ाम लगभग सिर के ऊपर है और यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और जितने भी महत्वपूर्ण आपका जो लगता है टॉपिक वो आप नोट करते चलिएगा। इसकी PDF मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, नीचे लिंक में दे दूंगा इसका। आप गूगल ड्राइव से इसको अपलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं हम भौतिक विज्ञान का, भौतिक राशियां और मापन। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां वो हैं जिसमें मालूम पड़ा है दिशा के साथ आ शब्द लगा हुआ है, यानी कि जिन राशियों का व्यक्त करने के लिए हमको सिर्फ उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, उसके दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। परिभाषा देख लेते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मात्रा की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है, 1+2=3, इस तरह इसको जोड़ा जा सकता है। उदाहरण क्या क्या है इसके? द्रव्यमान अदिश राशि है, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, दाब आदि, ये सब क्या अदिश राशियां हैं। प्रश्न में, एग्जाम में प्रश्न कैसे प्रकार से आएगा कि बहुत सारी राशियां दे दी जाएंगी, उसको पूछा जाएगा इनमें से कौन सी राशि अदिश राशि है, तो हम देखेंगे कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है वह सारी की सारी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। इसके विपरीत सदिश राशियां वो होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। उदाहरण क्या है इनके? वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता और विद्युत धारा, ये सदिश राशियों के उदाहरण हैं। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसमें से। मूल राशियां, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी मीटर में नापते हैं, लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि, ये जो राशियां हैं ये सब मूल राशियां कहलाती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती और अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। व्युत्पन्न राशियां, जो राशियां मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि दो भौतिक राशियों पर निर्भर है, दूरी एक भौतिक राशि है और समय भी एक भौतिक राशि है, यानी कि चाल जो है वो दो भौतिक राशियां दूरी और समय पर निर्भर है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि कहलाती है। मात्रक, किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है। मात्रक के भी दो प्रकार होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक यानी कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई को नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं। आप कोई सामान लेने जाइएगा कि 1 किलो चीनी तोल दीजिएगा, तो क्या द्रव्यमान नापा? किसमें? केजी में, किलोग्राम में। समय को सेकंड में नापते हैं, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल कहलाती है। ये 7 आपकी राशियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 मूल राशियां हैं। व्युत्पन्न मात्रक, जिन व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न मात्रक की आवश्यकता होती है, या हम इसको कह सकते हैं दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की से मिलकर बनने वाली जो भी मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे।
वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या इनसे निगमित यानी कि बनाए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि दो मूल मात्रक यानी कि मीटर गुणा मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर हो गया इसका मात्रक, यानी कि दो मूल मात्रकों की मदद से बना, इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक हुआ। आयतन, आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है, और इसको हम मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर करेंगे क्योंकि लंबाई मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में नापते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया मीटर की घात 3। घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं है वो लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आयतन मीटर क्यूब, द्रव्यमान किलोग्राम में, इसका फॉर्मूला हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेग, वेग विस्थापन डिवाइडेड बाई समय, और विस्थापन को मीटर से नापते हैं, समय को सेकंड से। त्वरण, त्वरण वेग परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय, और वेग परिवर्तन हमने ऊपर निकाल लिया मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड, तो त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग, एम इंटू वी यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग, नाप लीजिएगा द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, वेग को मीटर पर सेकंड यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। बल, द्रव्यमान गुणा त्वरण, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। कार्य, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, न्यूटन मीटर, बल का न्यूटन होता है और विस्थापन का मीटर, यानी कि यह हो गया न्यूटन मीटर। शक्ति, शक्ति होता है किया गया कार्य और लगा समय, जूल कार्य की मात्रक होता है, समय का सेकंड, और यानी कि हम वाट लिख सकते हैं इसको। दाब, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल को न्यूटन से नापते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी कहते हैं, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, तो इन सबको आप याद कर लीजिएगा। 10 की घात, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। 1 ओटो या 1 एटो होता है 10 की घात -18 मीटर के बराबर, 1 ओटोमीटर होता है 10 की घात -18 मीटर के बराबर, 1 फेम्टोमीटर 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है, 1 पिकोमीटर 10 की घात -12 मीटर के बराबर होता है, नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है, माइक्रो 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। ये पिछली बार जो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये वाला प्रश्न आया था, माइक्रो, 1 माइक्रो किसके बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर के बराबर, 1 माइक्रोमीटर 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है, ये प्रश्न आ चुका है पिछली बार, इसलिए याद कीजिएगा। 1 मिलीमीटर 10 की घात -3 मीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर के बराबर, 1 डेसीमीटर 10 की घात -1 मीटर के बराबर, 1 डेकामीटर 10 की घात 1 यानी 10 मीटर के बराबर होता है, हेक्टोमीटर 10 की घात 2 मीटर के बराबर, किलोमीटर 10 की घात 3 मीटर के बराबर, मेगामीटर 10 की घात 6 मीटर के बराबर, गीगामीटर 10 की घात 9 मीटर के बराबर, टेरामीटर 10 की घात -12 मीटर के बराबर, पेटामीटर 10 की घात 15 मीटर के बराबर, और एक्सा 10 की घात 18 मीटर के बराबर होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये टेबल, आप लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए उपयोगी है। पोज कर करके इसको नोट कर लीजिएगा। मात्रक पद्धतियाँ, कितने तरह की मात्रक पद्धतियाँ हैं, तो हमारे यहाँ 4 तरह की मात्रक पद्धतियाँ हैं, MK सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम। MK सिस्टम में सारी पद्धतियों को समझेंगे। लंबाई को MK सिस्टम में देखिए, MKS, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड, CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड, FPS, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। अब देख लेते हैं, लंबाई को MKS पद्धति में मीटर से नापते हैं, पहला अक्षर M, CGS पद्धति में C यानी कि सेंटीमीटर, और FPS पद्धति में पहला पद F यानी कि फुट, द्रव्यमान को किलोग्राम सेकंड kg, CGS में G यानी कि ग्राम, और FPS में P यानी कि पाउंड। समय, तीनों में ही ऐसे यानी कि तीनों ही पद्धतियों में सेकंड सेकंड और सेकंड में नापते हैं। SI पद्धति क्या है, SI पद्धति की पूर्व फॉर्म है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI, पूरी दुनिया में एक ही तरह की पद्धति को मान्य किया जाएगा, वो SI पद्धति कहलाती है। SI पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है।
1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन में एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया था। अब इसी सिद्धांत को मानक रूप में प्रयोग में लाया जाता है। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रकों का स्वीकार किया गया माना जाता है। मूल मात्रक देख लेते हैं, 7 हैं। लंबाई भौतिक राशि है। एसआई मात्रक में इसको मीटर से नापते हैं, एम स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रतीक है। और इसकी विमा कैपिटल एल, कोष्टक के अंदर कैपिटल एल इसकी विमा के रूप को प्रदर्शित करता है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, केजी उसका प्रतीक है, एम कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समय, समय को सेकंड, एस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से उसकी विमा नाप जाती है। विद्युत धारा एम्पियर कैपिटल ए और इसकी विमा भी कैपिटल ए है। ताप, ताप को हम केल्विन से नापते हैं, कैपिटल के इसका प्रतीक है और कैपिटल के कोष्टक के अंदर इसकी विमा है। ज्योति तीव्रता कैंडिला, सी डी कैपिटल सी स्मॉल डी कैंडिला, सी डी इसका प्रतीक है और सी डी को ही ब्रैकेट के अंदर कर दिया जाए तो ये उसका विमा बन जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम ओ एल, स्मॉल एम स्मॉल ओ स्मॉल एल, और इसी को कोष्टक को बंद कर दो तो उसकी विमा बन जाती है। अब दो संपूरक मात्रक कौन से हैं, दो संपूरक मात्रक हैं समतोल समतल कोण, जिसको हम रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं और आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल, इसको हम स्टेरेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं और एस आर इसकी प्रतीक चिन्ह है। महत्वपूर्ण मात्रक देख लेते हैं, फुट। एफ पी एस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है फुट, हमने ऊपर पढ़ा था। एफ पी एस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट है। अब एक फुट किसके बराबर होता है, 12 इंच के बराबर होता है, या ये 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या ये 0.34 मीटर के बराबर होता है। ये पद्धतियों में कन्वर्जन कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखिएगा, सारे पॉइंट आपके लिए ऐसे आएंगे जो परीक्षाओं में आने ही वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा आने वाली है, टेट का एग्जाम आने वाला है, बहुत एक दिवसीय परीक्षाएं आने वाली हैं। यूपी पीसीएस का चैनल है लेकिन ये एक दिवसीय छात्रों की मांग पर ये वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। डिटेल में पढ़ना है आप चैनल में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन वन डे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इंच, इंच लंबाई या दूरी का मात्रक है। एक इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है और एक मीटर में 39.37 इंच होते हैं और एक सेकंड में 0.01 मीटर यानी कि 0.39 इंच होता है। याद कर लीजिएगा, इंच का कन्वर्जन कई बार परीक्षा में आ चुका है। माइक्रोन, 69,000 शिक्षक लिखित परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। माइक्रोन, माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है। कन्फ्यूज थे लोग क्योंकि माइक्रोमीटर पढ़ा था, नाम आ गया माइक्रोन, वहां कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन यानी कि माइक्रोन को ही माइक्रोमीटर ही कहा जाता है। इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 1 माइक्रोन यानी कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10^-6 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम, अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम क्या है, बहुत छोटी दूरी मापने का मात्रक है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी दूरी होती है और छोटी दूरी को मापने का जो मात्रक है वो हमारा एंगस्ट्रॉम है। इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से दर्शाते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर। याद कर लीजिएगा, उपयोगी है, परीक्षा के लिए उपयोगी है। एक एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर, याद कर लीजिए, रट लीजिएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-10 मीटर, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, सारी परीक्षाएं कवर होंगी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। वर्ष समझ कर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये पीरियड यानी टाइम का मात्रक है, एक साल, लेकिन नहीं, ये दूरी का मात्रक है। और ये प्रकाश वर्ष द्वारा, ये क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। अगर हम लाइट को एक वर्ष तक चलाते रहें तो उसके द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो प्रकाश वर्ष कहलाएगी। ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46×10^15 मीटर। याद कर लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46×10^15 मीटर। बहुत उपयोगी है, 9.46×10^15 मीटर एक प्रकाश वर्ष होता है, दूरी मापने की इकाई है। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। पार्सेक, पार्सेक इसका प्रयोग खगोलीय दूरियों को मापने में किया जाता है। और बड़ी दूरी,
यानी कि जो दूरी प्रकाश वर्ष से भी कवर नहीं हो रही है वो हम पार्सेक में नापेंगे, खगोलीय दूरियां नापेंगे। और एक पार्सेक की वैल्यू होती है 3×10^16 मीटर, यानी कि 3.262 प्रकाश वर्ष, 3×10^16 मीटर, 3.262 प्रकाश वर्ष एक पार्सेक की वैल्यू होती है, एक पार्सेक का मान होता है बैरल। हमेशा आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल बैरल में नापे जाते हैं। बैरल, बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन 159 लीटर होता है। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल का ही उपयोग किया जाता है, यानी कि 159 लीटर तेल आता है वन बैरल में, यानी कि कही जाए कि एक बैरल तेल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके रेट डिसाइड होते हैं वो बैरल के डिसाइड होते हैं, ना कि एक लीटर के डिसाइड होते हैं। तो 159 लीटर आता है एक बैरल में, याद कर लीजिएगा, एक बैरल 159 लीटर कई परीक्षाओं में पूछा गया है, एक दिवसीय पुलिस भर्ती परीक्षाओं में, टेट में, UP SSC के एग्जाम में, लेखपाल भर्ती परीक्षा में बहुत प्रश्न आया है, एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है, याद कर लीजिएगा। मोल, किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों, अणु या परमाणु या आयन की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, मोल कहलाती है। यानी कि कार्बन 12 के आप इतना किलोग्राम ले लीजिएगा, कितना, 0.012 किलोग्राम ले लीजिएगा, फिर उसके परमाणुओं की संख्या गिन लीजिएगा, जो संख्या आएगी वो वन मोल कहलाती है। और अगर हमने इसको जब नापा कार्बन 12 को, तो उसकी जो वैल्यू आई वो आई 6.023 × 10^23, 6.023 × 10^23। ये वो वैल्यू है जो वन मोल कहलाती है, और इसी वैल्यू को एवोगैड्रो नियतांक या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। यही एवोगैड्रो नियतांक या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है, 6.023 × 10^23, 6.023 × 10^23, याद कर लीजिएगा, एक मोल बराबर 6.023 × 10^23, यही एवोगैड्रो नियतांक कहलाता है, यही एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है, डॉप्सन, डॉप्सन बहुत बार ये मात्रक आया है। डॉप्सन, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई है। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉप्सन में व्यक्त करते हैं। एक कंटेनर ले लीजिएगा, एक स्तंभ ले लीजिएगा, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसको मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन है। और वायुमंडलीय ओजोन डॉप्सन में नापी जाती है। प्रश्न आ चुका है कि वायुमंडलीय ओजोन नापने की मात्रक बताइए, इकाई बताइए, तो वह डॉप्सन है, क्यूसेक। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया डैम से, बांध से इतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, ये क्यूसेक क्या है, ये प्रभाव मापने की इकाई है, ये क्यूबिक फीट पर सेकंड का संक्षिप्त रूप है, क्यूबिक फीट पर सेकंड का संक्षिप्त रूप है। और सामान्यतः नदियों के जल प्रवाह को क्यूसेक से व्यक्त करते हैं। मैं बता रहा हूं कि जब नदी में पानी छोड़ा जाता है डैम से, तो कहा जाता है कि आज इतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, इंपॉर्टेंट है क्यूसेक। बार, बार क्या है, दाब नापने की इकाई है, दाब नापने की इकाई बार है। जूल, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। हम डिटेल में जब UP PCS की तैयारी कराएंगे और उसमें जब आपको फिजिक्स का लेक्चर लेंगे, वर्क एनर्जी का, कार्य और ऊर्जा का, उस वक्त हम इसको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन आप फिलहाल वंद एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए याद कर लीजिएगा, जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। थर्म, थर्म से मालूम पड़ा होगा कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर, THERM थर्म, ये ऊष्मा का मात्रक है जो THM प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। देखिए मैंने THM बताया थर्मल, THERM ML होता है, तो ये THM से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊष्मा का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक है। कूलाम, विद्युत आवेश का मात्रक है, याद कर लीजिएगा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। बोल्ट, विभवांतर का मात्रक है बोल्ट, वोल्टेज का मात्रक बोल्ट, विभवांतर का मात्रक है। ओम, विद्युत प्रतिरोध को ओम में व्यक्त करते हैं, विद्युत प्रतिरोध को ओम में व्यक्त करते हैं। वाट, ऊपर पढ़ाया, शक्ति का एसआई मात्रक है, इसको हम जूल पर सेकंड, यानी P = W / T के फॉर्मूले से ये निकलता है। देखिए
पी इज पावर इक्वल्स टू डब्लू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम समय, पी वर्क यानी कि पावर इक्वल्स टू डब्लू कार्य अपॉन समय, डब्लू जूल टी सेकेंड, जूल पर सेकेंड यानी कि वाट शक्ति का मात्रक है, होर्स पावर अश्व शक्ति, ये भी शक्ति मापने का यंत्र है। बड़े बड़े यंत्रों मोटरों का कहते हैं ये मोटर कितने हॉर्स पावर का है, जब ज़्यादा पावर होती है किसी यंत्र में तो हम उसको हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति में नापते हैं। और एक हॉर्स पावर कस्टु 746 वाट के बराबर होता है, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में बहुत बार आया है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, याद कर लीजिएगा, एक हॉर्स पावर 746 वाट। चलिए, किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है और एक किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। मेक, मेक अति तीव्र चाल मापने की इकाई, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को मेक कहा जाता है, एक मेक कहा जाता है, किसी माध्यम में जो ध्वनि की चाल होती है उसे एक मेक कहा जाता है। और एक मेक से अधिक चाल को सुपरसोनिक कहते हैं, कितना ये इंजन सुपरसोनिक स्पीड से चलता है यानी कि उसकी जो चाल है वह एक मेक से ज़्यादा होती है। और 5 मेक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक कहा जाता है, 5 मेक से अधिक चाल होगी उसे हाइपरसोनिक कहा जाएगा और 1 मेक से अधिक चाल होगी उसको सुपरसोनिक कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नॉट, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है नॉट, कहते हैं इतने नॉट पर चल रहा है समुद्री जहाज, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। यह समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है, एक समुद्री मील प्रति घंटा की चाल को नॉट कहा जाता है, यानी कि एक घंटा में जो समुद्री मील, जितनी समुद्री मील तय की जाएगी वो नॉट कहलाएगा। रिएक्टर स्केल भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई है, किसकी इकाई है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई है रिएक्टर स्केल, बहुत महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में आया है कि भूकंप की तरंगें किस में नापी जाती हैं, रिएक्टर स्केल में नापी जाती हैं। यह पूछा गया कि रिएक्टर स्केल क्या है, भूकंपीय तरंगों को मापने की एक इकाई है, याद कर लीजिएगा। द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक ओस, ओस कई बार आता है, ओस क्या होता है, एक ओस होता है 28.35 ग्राम, एक ओस होता है 28.35 ग्राम के बराबर, एक पाउंड, एक पाउंड 16 ओस के बराबर होता है यानी कि 453.52 ग्राम, 453.52 ग्राम के बराबर यानी कि 0.453 किलोग्राम, याद कर लीजिएगा तीनों, एक पाउंड 16 औंस के बराबर होता है यानी कि 453.52 ग्राम के बराबर होता है यानी कि 0.453 किलोग्राम के बराबर होता है, एक किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, एक कुंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। कई बार कंफ्यूजन होता है, एक कुंटल को हम 1000 किलोग्राम कह देते हैं, नहीं, एक कुंटल 100 किलोग्राम होता है। और एक मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर, एक मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, याद कीजिएगा। दूरी के मात्रक देखते हैं, कई बार होता है कि एक मील कितना होता है, एक मील होता है 1609.344 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर के बराबर, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, किलोमीटर के बराबर, 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है एक मील, एक मील होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर, पुराने समय में कहा जाता कि 1 माइल से दूरी पर है यानी कि 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्री मील ऊपर आया नॉट, समुद्री मील 1852 मीटर यानी कि 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है आपकी खगो समुद्री मील। और जमीन की मील होती है 1.6 किलोमीटर के बराबर और समुद्री मील होती है 1.8 किलोमीटर के बराबर। एक खगोलीय इकाई कितनी होती है, 1.495 × 10^11 मीटर के बराबर, 1.495 × 10^11 मीटर के बराबर होती है खगोलीय इकाई, याद कर लीजिएगा। समय के अन्य मात्र, एक चंद्रमास, एक चंद्रमा का मास लगभग 28 दिन का होता है, 4 सप्ताह का होता है, 7 × 28 दिन का, लगभग 28.5 दिन के करीब का होता है। एक सौर मास 30 दिन या 31 दिन, जब फरवरी में 28 दिन होंगे तब 30 दिन का होगा और 29 दिन फरवरी के केस में, या 28 और 29 दिन का होता है, जबकि अन्य महीनों में 30 दिन का होता है या फिर 31 दिन का होता है, लेकिन जब फरवरी में 28 दिन का होगा या फिर 29 दिन का होगा। लीप ईयर्स, फरवरी में 29 दिन होंगे तब वर्ष में 366 दिन होंगे और जब फरवरी में 28 दिन होंगे तो ये 365 दिन होंगे।
लीप ईयर उस वक्त होता है जब फरवरी में 29 दिन होते हैं और ये वर्ष में उस समय 366 दिन होते हैं। और एक लीप ईयर चार वर्ष में एक बार आता है, चार वर्ष में एक बार लीप ईयर होता है जब फरवरी 29 दिन की होती है और उस वक्त 366 दिन का हमारा एक वर्ष होता है। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। CGS पद्धति का प्रचलन मुख्यतः कहाँ था? फ्रांस में। हमारा आंसर क्या होगा? फ्रांस में। CGS पद्धति का प्रचलन फ्रांस में था। किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है? FPS फुट पॉइंट सेकंड वाली जो पद्धति है ये ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में लागू थी इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। माप तोल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहां पर है? सेवेरस फ्रांस में है। सेवेरस एक जगह का नाम है, सेवेरस फ्रांस में स्थित है, वहां पर माप तोल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय। एक गैलन होता है 3.785 लीटर के बराबर। एक गैलन 3.785 लीटर के बराबर होता है। आंधी आने पर बेरोमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होता है? देखिए बेरोमीटर के पाठ्यांक से हम ये बता लेते हैं कि आंधी आने वाली है या बारिश आने वाली है। जो मौसम विभाग के कार्यालय में बेरोमीटर लगा होता है उससे ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। अगर आंधी आने वाली होगी तो बेरोमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा? पाठ्यांक अचानक नीचे आता है क्योंकि आंधी तभी आती है जब किसी क्षेत्र में निम्न वायु दाब उत्पन्न होता है। देखिए अधिक वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें चलती हैं इसलिए जिस क्षेत्र में निम्न वायु दाब उत्पन्न होगा उस क्षेत्र की ओर हवा आएगी और अचानक बेरोमीटर का दाब जो पाठ्यांक वो नीचे गिर जाता है। इससे ये पता लगता है कि वहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। कार्बोरेटर का उपयोग क्या है? कार्बोरेटर मोटरसाइकिलों में लगा होता है और इसका जो उपयोग है वो है फ्यूल और एयर को मिक्स करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, ये इसका कार्य होता है। कई बार लेजर की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, लेजर LASER लेजर ऑपरेशन होते हैं, लेजर लाइट होती हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या है? कई बार विभिन्न प्रश्नों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है तो इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। याद कर लीजिएगा लेजर L फॉर लाइट, A एम्प्लीफिकेशन बाई, एस स्टिमुलेटिंग, ई एमिशन आर रेडिएशन, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन क्या कहलाती है? लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। ब्यूफोर्ड स्केल क्या है? एक पैमाना जिस पर हवा की गति को मापा जाता है, हवा की गति को ब्यूफोर्ड स्केल पर नापा जाता है। याद कर लीजिएगा ब्यूफोर्ड स्केल पर हवा की गति को नापा जाता है। राडार, राडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग इसकी फुल फॉर्म है। लक्स मीटर किस काम आता है? प्रकाश की तीव्रता नापने के काम आता है लक्स मीटर। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता नापता है। सोनार, सोनार की फुल फॉर्म साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंगिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंगिंग सोनार की फुल फॉर्म है। सोलेक्सा क्या है? सोलेक्सा, सोलेक्सा को याद रखिएगा सोलर से संबंधित है, यानी कि सौर ऊर्जा चालित रिक्शा को, सौर ऊर्जा चालित रिक्शा को सोलेक्सा कहा जाता है। सौर ऊर्जा चालित रिक्शा सोलेक्सा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, पूरा हमने पढ़ा UP SSC के लिए, CTET के लिए, लेखपाल परीक्षा UP SSC के अंतर्गत होगी, पुलिस भर्ती परीक्षा और एक दिवसीय सारी परीक्षाओं के लिए, यहाँ तक UP PCS के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है UP PCS के लिए भी, तो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसकी मैं PDF देने की कोशिश करूँगा और जिन भाइयों मित्रों और दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल लाइव सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप लाभ उठा सकें उन बातों का जिनका मैंने तैयारी की है। यानी कि मैं जो 10 या 5 किताबों से पढ़ता हूँ उसको आप एक जगह, आपको एक स्थान पर मिलेगा। मैं वादा करता हूँ कि आप लगातार तैयारी करती रहेगा, सफलता आपके चरणों को जरूर चूमेगी। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिएगा।